मध्य प्रदेश 19 अक्टूबर 2019 शनिवार, मध्य प्रदेश के आज की ताज़ा खबर। दोस्त स्वागत है आपका हमारे टीम न्यूज़ चैनल में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुलदीप पांडे। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के आज की ताज़ा खबर के विषय में, जो निकल के आ रही है दिनांक 19 अक्टूबर 2019 शनिवार से। कौन कौन सी खबरें हैं और क्या पूरी जानकारी जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस तरह का अपडेट न्यूज़ मध्य प्रदेश में सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें, जिससे इस तरह का अपडेट न्यूज़ आप तक तुरंत पहुंच पाए और आप उनसे लाभान्वित हो सकें। दर्शकों, आइए बढ़ते हैं अपडेट की ओर, जान लेते हैं पूरा अपडेट को विस्तार से। दर्शकों, आइए शुरू करते हैं पहली बड़ी अपडेट खबर से, जो निकल के आ रही है मध्य प्रदेश में मंदी नहीं है और फार्मास्यूटिकल्स हब बनाएंगे कमलनाथ सरकार। दोस्तों, मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ ने कहा कि अगर किसी निवेशक के पास जमीन है तो उसे किसी प्रकार की अनौपचारिक स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं होगी, स्वयं प्रमाणन ही पर्याप्त माना जाएगा। प्रदेश के प्रति निवेशकों का विश्वास पैदा करने के लिए ऐसे कई कदम उठाए गए हैं, जिससे वे निवेश लगाने के लिए उत्साहित हो सके। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि मैग्निफिसेंट एमपी के बाद अब हम सेक्टर वाइज गोलमेज कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस शुरुआत फार्मास्यूटिकल्स कंपनियों के साथ होगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में इस क्षेत्र में व्यापक संभावना है और इसे विकसित करने के लिए संसाधन भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि हमारी कोशिश है कि मध्य प्रदेश फार्मास्यूटिकल क्षेत्र के हब के रूप में स्थापित हो। उन्होंने कहा कि दिखावे के लिए MOU की सोच से अलग हटकर हमारा लक्ष्य है कि इस आयोजन के जरिए जो भी निवेश आया है वह अब तक हकीकत में सरकार नहीं होगा, तब तक हम इसे सफल नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा कि आज पूरे देश में मंदी का दौर है, लेकिन मध्य प्रदेश में इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ है। श्री कमलनाथ ने आज इंदौर में संपन्न मैग्निफिसेंट MP आयोजन के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने पहले ही यह तय किया था कि मध्य प्रदेश की एक पहचान बने, निवेशकों के बीच विश्वास पैदा हो और एक जवाबदेह शासन व्यवस्था स्थापित हो सके। इस दिशा में हमारा यह पहला प्रयास था। हम इस पूरे अभियान को दिखावे के रूप में नहीं, हकीकत के रूप में लेना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम कंपनियों के निवेशों के प्रति रुचि दिखाई हैं और किसी ने 1200 करोड़, किसी ने $1 मिलियन के निवेश करने का वादा किया है, लेकिन हम इन आंकड़ों को तब तक मैग्निफिसेंट MP के साथ नहीं दिखाना चाहते हैं जब तक कि वह की जमीन स्तर पर न साकार हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम मध्य प्रदेश में निवेश को मांग कर रहे हैं, नहीं कर लाने की चाहते हैं, बल्कि लोग आकर्षक हो, पहल करें, ऐसा वातावरण तैयार करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे पिछले 7.5 माह के कार्यकाल में निवेश अनुकूल जो वातावरण बना है, उसकी उपलब्धता यह है कि IT क्षेत्र की ऐसी कई कंपनियां जो माइग्रेट होकर बेंगलुरु चली गई थी, वे अब वापस मध्य प्रदेश आना चाहती हैं। इसी तरह जापान से जेट्रो कंपनी आई है, जिस उनसे मेरी मध्य प्रदेश में जापान पार्क बनाने की बात हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु के त्रिपुरा में गवर्नमेंट का 30,000 करोड़ का व्यापार है, वहाँ से कपड़ा उद्योग से जुड़े हुए लोग ने मध्य प्रदेश में भी गारमेंट क्षेत्र में निवेश करने का प्रस्ताव दिया है। मैग्निफिसेंट MP के आयोजन में कई निवेश ऐसे आए हैं जिन्होंने ना कभी मध्य प्रदेश देखा और ना ही वह यहाँ आए हैं। हमारी सफलता यह है कि हम निवेशकों का भरोसा हासिल करने में सफल हो पाए। आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी अपडेट खबर की, जो निकल के आ रही है रोजगार सहायक की हड़ताल जारी, ज्ञापन सौंपा। दोस्तों, दिनांक 16 अक्टूबर में से 23 अक्टूबर तक रोजगार सहायक अपनी नियमितीकरण की मांग को लेकर कलमबंद हड़ताल पर हैं। इस संबंध में रोजगार सहायकों ने CEO प्रिया मरावी को ज्ञापन सौंपा है। संभागीय अध्यक्ष नितिन शुक्ला एवं ब्लॉक अध्यक्ष भरत सिंह लोधी ने बताया कि 2012-17 में जो नियुक्ति हुई थी उनमें से 3,200 रुपये मानदेय निर्धारित किया गया था, जिसमें रोजगार सहायकों को निर्धारित कार्य करना सुनिश्चित किया गया था कि मनरेगा में जितने कार्य होते हैं वे देखेंगे। फिर सत्र 2014 में मानदेय 5,000 कर दिया गया एवं सत्र 2018 में मानदेय 9,000 रुपये तक कर दिया गया था, जिसमें से 2,000 स्वच्छ भारत मिशन लक्ष्य पूर्ण करने पर बढ़ाए एवं 2,000 प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य पूर्ण करने के पर बढ़ाए गए थे। लेकिन इसके अलावा भी अन्य कार्यों में सेवाएं ली जा रही हैं, जिनमें जन्म मृत्यु पंजीयन, समग्र पोर्टल एंट्री, निर्वाचन कार्य, GDPD पोर्टल कार्य, पंचायत दर्पण, प्रिय सॉफ्टवेयर, BPL और पोर्टल कार्य, नया सवेरा योजना के तहत सभी कार्य रोजगार सहायकों से
कराए जा रहे हैं, लेकिन मानदेय उतना ही दिया जा रहा है। रोजगार सहायकों की शासन से मांग है कि रोजगार सहायकों का कार्य सीमित किया जाए एवं मानदेय बढ़ाकर नियमित किया जाए। आइए बढ़ते आगे, बात कर लेते हैं तीसरी बड़ी अपडेट खबर की जो निकल के आ रही है। PSS रोजगार सहायकों की हड़ताल में शामिल नहीं होंगे। दोस्तों आपको बता दें, पंचायत सचिव संगठन के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश के पंचायत सचिवों के पास 25 साल का अनुभव है। पंचायत सचिवों ने जब रोजगार सहायकों की नियुक्ति भी नहीं हुई थी तब भी अच्छा काम करने करके प्रदेश सरकार को देश में मनरेगा में अग्रणी बनाया था। अब प्रदेश के पंचायत सचिव अपनी जायज़ मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं तथा रोजगार सहायकों के तथाकथित संगठन के पदाधिकारियों ने भोपाल में तत्कालीन सरकार के कुछ दलालों के साथ मिलकर के पंचायत सचिवों का आंदोलन कुचलकर सचिवों का प्रयास प्रभार छुड़वाने और सरकार के दलीलों के माध्यम से पंचायत सचिवों के 5,000 महीना वेतन कम करने की साजिश रची थी। सचिवों का शोषण कराने वाले पंचायत सचिवों से सहयोग की भी उम्मीद ना रखें। चार दिन बाद झाबुआ में विधानसभा चुनाव है। रोजगार सहायकों के पदाधिकारियों ने सरकार के खिलाफ साजिश के तहत अचानक हड़ताल करने का निर्णय लिया है, जिसकी पंचायत सचिव संगठन समर्थन नहीं करता है। प्रदेश के पंचायत सचिव संगठन ने निर्णय लिया है कि हम किसी का समर्थन नैतिक रूप से या किसी प्रकार से नहीं करेंगे। सभी 52 जिलों के लिए अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष को निर्देश दिया गया है कि जिला पंचायत के CEO और प्रशासन को काम सौंपे जो वो अभी सभी काम करना है। प्रदेश के पंचायत सचिवों को 25 वर्ष का अनुभव है। मध्य प्रदेश का पंचायती राज की रीढ़ पंचायत सचिव हैं और कोई भी प्रदेश संगठन के निर्णय के बगैर किसी की भी धरना स्थल पर समर्थन देने करने नहीं जाने ना ही कोई कमिटमेंट करेंगे। बकायदार पंचायतों में काम करेंगे और वक्ताशय की जानकारी देते हुए पंचायत सचिव संगठन के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने बताया कि रोजगार सहायक को वह दिन बाद याद करना चाहिए जिस दिन हमने आपको लक्ष्य की उपाधि दी थी, लेकिन आप मर्यादा भूल गए हैं। यदि सच्चे दिमाग से दिल से सहयोग दिया होता तो तत्काल सरकार से पंचायत सचिवों को मांग तो पूरी करवा ही ली होती, लेकिन साथ में आपकी भी मांगें पूरी हो जाती। लेकिन अब आप सरकार के एजेंट दलालों के चक्कर में प्रदेश के हजारों रोजगार सहायकों का भविष्य बर्बाद कर बैठे हैं और कई बात नहीं, हमें उससे कोई मतलब भी नहीं है। लेकिन इतना याद रखना चाहिए कि हम के रास्ते पर कांटे बिछाने हैं तो हमें भी अगले से फूलों की उम्मीद नहीं करना चाहिए। आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं चौथी बड़ी अपडेट खबर की जो निकल के आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट कंपनियों में क्लर्क और कामगारों का वेतन न्यूनतम निर्धारित किया। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट कंपनी कारखानों एवं उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन निर्धारित कर दिया है। यह निर्णय दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला श्रमिक या कामगार स्तर पर, जिसमें शिक्षा नहीं बल्कि कार्य की कुशलता वेतन का पैमाना होता है, और दूसरा बैंक ऑफिस के कर्मचारी जिन्हें क्लर्क स्टाफ भी कहते हैं। कर्मचारियों को एरियर नहीं दिया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने न्यूनतम वेतन के लिए आदेश दिया है कि 3 मार्च 2017 की अधिसूचना को लागू करें। सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में दायर की गई विभिन्न अपीलों को त्वरित सुनवाई पर लगाने का आदेश दे दिया है। ये अपीलें विभिन्न नियोक्ताओं पर तथा फैकल्टी मालिकों ने दायर की है। इस अधिसूचना में अधिसूचित रोजगारों को न्यूनतम वेतन तय किया गया है। जस्टिस UU ललित की पीठ ने यह आदेश देते हुए मामले को स्थगित कर दिया है। कोर्ट ने आदेश दिया था कि इस मामले में कर्मचारियों को कोई एरियर नहीं दिया जाएगा। कामगार श्रमिक का वेतन, दोस्तों अकुशल कामगार को कम से कम 14,842 रुपये प्रति माह, 531 रुपये रोजाना, और अर्धकुशल को 16,341 रुपये प्रति माह और 629 रुपये रोजाना, और कुशल को 17,991 रुपये प्रति माह और 692 रुपये रोजाना दिया जाना चाहिए। क्लर्क और सुपरवाइजर बैंक ऑफिस कर्मचारियों की बात करें तो उनका वेतन नाम मैट्रिक के हिसाब से 16,341 रुपये प्रति माह दिया जाना चाहिए, जिसमें कि 629 रुपये रोजाना मिलता है, और मैट्रिक लेवल गैर ग्रेजुएट वालों को 17,991 रुपये प्रति माह, जिसमें 692 रुपये रोजाना दिया जाना चाहिए, और ग्रेजुएट और उसके ऊपर वाले को 19,572 रुपये प्रति माह और 753 रुपये
रोजाना दिया जाना चाहिए। आइए बढ़ते आगे, बात कर लेते हैं पांच अंतिम बड़ी खबर के बारे में जो निकल के आ रही है। हमारा किसान पसीना बहाए और पानी पाकिस्तान में जाए, यह हमें मंजूर नहीं होगा, यह कहना है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का। दोस्तों हरियाणा विधानसभा चुनाव 2019 की चुनावी सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान जा रहे भारत के पानी की सप्लाई बंद करने का ऐलान कर दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का किसान पसीना बहाए और पानी पाकिस्तान में चला जाए, अब यह नहीं होगा। बता दें कि यदि भारत ने नदियों का प्रवाह मोड़ दिया और पाकिस्तान की तरफ जाने वाली पानी की मात्रा भी कम कर दी तो पाकिस्तान में त्राही त्राही के हालात बन जाएंगे। भारत का पानी किसान का ना कि पाकिस्तान का। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मध्य प्रदेश हरियाणा के चरखी दादरी में चुनावी सभा में वादा किया कि नदियों का जो पानी भारत का है और पाकिस्तान जा रहा है उसे रोककर रुख जल्द ही हरियाणा और राजस्थान की ओर किया जाएगा, जिससे कि वहां खेतों में लाभ मिल सकेगा। मोदी ने कहा कि 70 साल से जिस पानी का भारत और हरियाणा के किसान का हक है पाकिस्तान में वह रहा है और मोदी इस पानी को पाकिस्तान से बहने से रोकेगा और घरों तक लाएगा। इतनी कुछ जानकारी जो हम आपके लिए कराए थे मध्य प्रदेश की आज की ताज़ा खबर। आशा करते हैं आपको हमारा आज का विषय पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि सभी जानकारी से लाभान्वित हो सके। आज के वीडियो में बताएं हम फिर आ जाते हैं नए विषय के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।